आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स पॉलिनोमियल एक्स आर गिवन इन फिगर्स बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स। कुछ पॉलिनोमियल पी एक्स के ग्राफ जो है वो आपको दिए हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमें जो है वो नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं पी एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पार्ट हम देखते हैं, अगर पी एक्स के जो है वो नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं तो इसका मतलब ये जो लाइन दी हुई है उस लाइन को आपने ध्यान से देखना है। उस लाइन ने एक्स एक्स एक्सिस को एक्स वाली लाइन को कितनी बार काटा है, अगर कितनी जितनी बार काटा होगा उतनी बार ही उतने ही जीरोज जो है वो उसके होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ये लाइन बिल्कुल सीधी है एक्स एक्सिस से और एक्स को बिल्कुल नहीं काट रही है एक्स वाली लाइन को, तो पहले वाले में तो हम लिख देंगे नो जीरो, पहले वाले में कोई जीरो नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का। दूसरे वाले में आप देखें तो यहां पर एक जगह पर जो है एक्स एक्सिस को ये लाइन काट रही है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 0, यहां पर एक जीरो होगा इसका, ठीक है। यहां पर आप देखें तो यहां पर एक जगह पर दूसरी जगह पर और तीसरी जगह पर तीन जगह पर एक्स एक्सिस को काट रही है लाइन, तो यहां पर हो जाएंगे 3 0s, 3 0। यहां पर आप देखें तो एक्स एक्सिस को दो जगह पर काट रही है, ठीक है, तो यहां हो जाएंगे 2 0s, ठीक है। यहां पर देखें तो एक्स एक्सिस को 1 2 3 और 4 जगह पर काट रही है, तो यहां हो जाएंगे 4 0s, ठीक है। और यहां देखा जाए तो एक जगह पर दूसरी जगह पर और तीसरी जगह पर अगर छू भी रही है टच भी कर रही है तो भी जो है वो वहां 0 माना जाएगा, तो 1 2 3, तो यहां हो जाएंगे 3 0s, ठीक है। तो ये इनके आंसर्स हो जाएंगे। यहां पर जो है वो पॉलिनोमियल एक्स के जो है वो नंबर ऑफ जीरोज निकालने थे, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल में, ठीक है, और आपका लीनियर इक्वेशन होती है और आपकी जो है वो क्यूबिक होती है, क्यूबिक होती है इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं उसमें जीरो का होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेंगे तो वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 8। अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां पर हमें ये निकालना है कि x की वैल्यू x के कितने जीरोज होंगे जो यहां पर पुट अप करेंगे, तो ये इस इक्वेशन का आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो ये ग्राफ दिए हुए हैं और ये इक्वेशन के हिसाब से पॉलिनोमियल के ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से कितने जीरो हैं, यहां पर नहीं काट रहा है एक्सिस को तो एक भी नहीं आएगा, यहां पर एक जगह काट रहा है तो एक आएगा, यहां पर तीन जगह काट रहा है तो 3 होंगे, यहां दो जगह काट रहा है तो 2 होंगे, यहां 4 जगह काट रहा है तो 4 होंगे और यहां 3 जगह काट रहा है तो 3 होंगे। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।